senior liars sitting over here, junior liars, your young liars sitting over here, and organizing team. Assalamu alaikum. I'm very thankful to face Bhattu Saab and younger brother Nurul Amin who invited me here for a discussion on your project, Pakistani society ke hawale se, or specifically jo legal rights hain ya jo lawyers ka role hai us pe bahut sari baat ki hai. Kyunki is project mein ek uniqueness dekhne ko mili. Hamare paas bahut sari organizations aati hain यूनिवर्सिटी के अंदर बावलपुर शहर में, क्योंकि मैं चेयरमैन सोशल वर्क डिपार्टमेंट में, तो हमारे साथ उनके बहुत ज़्यादा लाइजन होता है. तो ऑर्गेनाइजेशंस ने पास्ट में जितना काम किया है वो या तो बच्चों के हवाले से है, या फीमेल्स के हवाले से है, या रूरल कम्युनिटीज़ के हवाले से है, या डिसेबल्स के हवाले से है. ये क्रेडिट लायर्स को जाता है कि वो उस इशू पे बात भी करते हैं, वो उस पे बाहर भी निकलते हैं, वो उस पे एडवोकेसी भी करते हैं. और हमें खानदान की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे हमें वायलेंस होता हुआ नजर आता है. तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वायलेंस एग्जिस्ट करता है. हमारी एफर्ट जरूर है कि हम वायलेंस को कम करें, हम पीस को लाएं, और हमें करनी भी चाहिए. लेकिन उसके साथ साथ हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं टॉलरेंस की, तो उसकी कमी है. जो हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की, अभी बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने, कि एक्सेप्टेंस जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है. तो ये सारा कुछ अगर नहीं है तो हम पीस की तरफ नहीं जा सकते. तो बहुत सारी रीजन्स हैं, पुश फैक्टर्स भी हैं, पुल फैक्टर्स भी हैं. चूँकि मैं टीचर हूँ तो हम क्लास को बड़ा लंबा कर देते हैं, इसलिए मैं अपनी कोई स्पीच को बहुत ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगा. लेकिन जो असल में फेस का ऑब्जेक्टिव है वो ये है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, अगर मैं फेस वाले सुन रहे हैं, उसके कंटेंट्स में ये है कि सबसे पहले हम अपने सामने बैठे हुए लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या आप समझते हैं पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है. उनसे हम पूछते भी हैं तो आगे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं. उसके बाद हम बात स्टार्ट करते हैं कि अगर नहीं है तो आपके ख्याल में उसकी वजूहात क्या है. तो हम उन्हीं को एंगेज करते हैं जो आपकी ट्रेनिंग सुनी. यकीनन आजम साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े ट्रेनर हैं, तो उन्होंने यकीनन काजस पे भी बात की होगी, पुश फैक्टर्स पे बात की होगी, पुल फैक्टर्स पे बात की होगी. फिर हम अपने जो ऑडियंस हैं उनके साथ आगे बात करते हैं कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम अपनी सोसाइटी को पीसफुल बना सकें. उसको कहते हैं CVE, काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म. कि हम अगर CVE को प्रॉपर वे में अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे हम वायलेंस को काउंटर करते हैं. अब वायलेंस वायलेंस सुन के लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वायलेंस असल में स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है जो इन्होंने बात की कि हम सारे यहाँ पे डिफरेंट हैं, सबके जो लिबास हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सबकी जो रंगत है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हेयर स्टाइल मुख्तलिफ है, कास्ट को देखें मुख्तलिफ है, फिरके को देखें मुख्तलिफ है, हो सकता है कुछ मिनॉरिटीज के लोग भी बैठे हों. तो ये जो मुख्तलिफ होना है दैट इज डाइवर्सिटी. लेकिन हम सारे बैठे तो एक ही मकसद के लिए हैं. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करके ही बैठे हुए हैं. ये वाली एक्सेप्टेंस जो है, ये अगर फैमिली लेवल पे नहीं है तो वहां भी वायलेंस होगा, ये अगर क्लासरूम के अंदर नहीं है वहां भी वायलेंस होगा, ये अगर सोसाइटी में नहीं है तो वहां भी वायलेंस होगा. तो सबसे पहले डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस एंड सेलिब्रेशन होने की बुनियाद पे मुखालिफ होना ये बुरा है. यानी हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सारे के सारे 7 अरब से ज्यादा लोग हैं दुनिया में, सबका ये जो थंब इम्प्रेशन है वो दूसरों से डिफरेंट है. इट मींस कि अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग से एक आइडेंटिटी दे के पैदा किया है. लेकिन ये जो मुख्तलिफ होना है, इससे मुराद ये नहीं है कि अब हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाए. चाय बहुत पसंद है तो मैं
एक सिमिलैरिटी को भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ और जो हमारा डिफरेंस है मैं उसको भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उसके बाद हम अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं और ये नेचुरल है। घर के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि जी आज डिनर पे फोर सीजन में जाना है। वैसे वट्टू साहब शुक्रिया, आप हमेशा फोर सीजन में हमें बुलाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं जी? एक मैडम इफ्फत जो है चले वो बोल रही है, मैडम कहती है जी मैंने तो फोर पैदा हो गया, लेकिन ये कोई बुराई नहीं है, अपना अपनी बात का इजहार किया है ना। कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना बुरा नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज ना करना टाइमली, उससे चीजें खराब हो जाती है और उसी से एक्सट्रीमिज्म की तरफ हम जाते हैं, उसी से हम एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो एक किसी को मानना पड़ता है और वो मानना क्या होता है, उसके लिए तीन चीजें करनी चाहिए, 3 Ds, डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट। आप डिस्कशन करें कि जी कहां पे खाना अच्छा होता है, कहां पे मौसम अच्छा होगा, बारबेक्यू नाइट वाले कह सकते हैं कि जी बाहर बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है तो वहां हमें एंजॉयमेंट ज्यादा होगी। तो डिस्कशन में अगर वो वाला पॉइंट ज्यादा वैलिड है तो वो मान जाएंगे, तो डिस्कशन के जरिए मसला हल हो गया। डायलॉग, क्योंकि लाइव बैठे हुए हैं इन्हें पता है जब दो पार्टीज का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका सलूशन डायलॉग के जरिए होता है कि कुछ ना कुछ लो और दो की पॉलिसी के तहत मसले को हल किया है। और डिबेट, ओपन छोड़ें बात को, दूसरों से राय लें, दूसरों को सुनाएं कि आप क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को गलत साबित करें अपने आर्गुमेंट से, दैट इज डिबेट। तो डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग, इसकी अगर हम आदत अपना लें तो डेफिनेटली हम डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को भी मैनेज कर रहे होंगे, हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि ये सारा कुछ ऐसे नहीं आता। असल में जो एक चीज बहुत जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? एक होती है सिंपल थिंकिंग, हम सारे सोचते हैं। थिंकिंग होती है कि हमारा दिमाग किसी चीज को सुनने के बाद या देखने के बाद या पढ़ने के बाद फौरी तौर पे हमें एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना। आपने एक बात सुनी, आपके दिमाग ने फौरन आपको शायद अफरीदी की तस्वीर बनाई और आपने चूंकि अल्फाज सुने थे कि बाहर आए हुए, आप बाहर को दौड़ पड़े। दिस इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। कुछ लोग बैठे रहे, उन्होंने आने वाले को देखा है कि कहा किसने है। तो अगर कहने वाला जो है वो अक्सर मजाक करता है तो वो उसके चेहरे को देख के ही वो कहेंगे यार आप अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं, आए बैठे हैं अभी बट्टू साहब खाना शाना खिलाएंगे, वो खा के चलेंगे। दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग कि उस शख्स ने ये सोचा कि जी आने वाला कौन है, बात उसने कैसे की है। जो लोग सोचने के प्रोसेस में एनालिसिस करते हैं, कहने वाला कौन है, कह क्या रहा है, किस अंदाज में कह रहा है और मुझे क्यों कह रहा है, और इसके बाद भी एक और चीज सोचते हैं कि शायद अफरीदी का यहां को बाय बैनर नहीं था जब हम आए हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो ये सारा प्रोसेस अगर हमारे माइंड में होता है तो हम क्रिटिकल थिंकर हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी कौम जो है वो थिंकर हैं, क्रिटिकल थिंकर नहीं, बहुत जल्दबाजी में फैसले करते हैं। तो जिस शख्स ने कॉन्फ्लिक्ट को अच्छा मैनेज करना हो उसको क्रिटिकल थिंकर भी होना चाहिए। अगर वो क्रिटिकल थिंकर है तो डेफिनेटली वो कभी भी नहीं जाएगा वायलेंस की तरफ, वो पीस की तरफ जाएगा। और लास्ट में एक और बात जो हम अक्सर अपने स्टूडेंट्स को या पीस के हवाले से करते हैं वो है कि 3 कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं जो हम सबके हैं। एक है एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल कि हर किसी को घूर के देखना, गुस्से से देखना, उंगली उसकी तरफ उठा के बात करना, दूसरों को जज करना, दूसरों को बात ना करने देना, दैट इज एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। ऐसे लोगों को ना तो घर में कोई पसंद करता है ना रोड पे। खुदा ना खास्ता रोड पे थोड़ा बहुत किसी के साथ आपकी कोई अनबन हो जाए तो एग्रेसिव लोग जो है वो फौरन वायलेंस की तरफ लेके जाते हैं चीजों को। तो एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल को अवॉइड करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक है सबमिसिव कम्युनिकेशन स्टाइल,
डिनाय करना, नीचे देखते रहना। आप क्लास में आप स्टूडेंट हैं तब भी अपनी प्रेजेंस को छुपाना, पिछली सीट पे बैठना कि टीचर की नजर ना पड़ जाए, मुझसे कोई सवाल ना कर लें, आई कांटेक्ट का ना होना, और उनकी जो आवाज है उसमें लड़खड़ाहट और वो बोल नहीं सकते। तो ऐसे लोग अक्सर हमारे घरों में भी हैं, हमारी सोसाइटी में भी। अब अगर ऐसे बंदे को आप बिठा दें कि जी आपने डिस्कशन करनी है, तो वो तो नहीं कर सकता, वो डायलॉग भी नहीं कर सकता, वो डिबेट भी नहीं कर सकता। तो डायलॉग, डिबेट और डिस्कशन के लिए एक और कम्युनिकेशन स्टाइल है जो बड़ा जरूरी है। वो एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, वो सबमिसिव भी नहीं होना चाहिए। दैट इज असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। असर्टिवनेस क्या है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात करते हैं, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के। वो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को जब ये ट्रेनिंग देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई कॉन्टेक्ट रखें, लेकिन साथ में ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी को घूरना ही शुरू कर दें, अगला परेशान हो जाए कि इतना आई कॉन्टेक्ट। तो मुनासिब किस्म का आई कॉन्टेक्ट होना, और आपकी आवाज ना तो बहुत ऊंची हो ना बहुत धीमी हो कि दूसरों को सुनाई ना दे। तो अगर हम असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल को अपनाते हैं और हम अच्छे क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं, तो हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। और जब कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे फिर वायलेंस की तरफ चीजें जाती ही नहीं, तो डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली साथ साथ आ जाती है कि अगले बंदे को इंगेज करें। जैसे आजम साहब ने इन्हें एक्टिविटीज में इंगेज किया, तो आप जब उनको इंगेज करते हैं तो उन्हें सही समझ आती है कि पीस है क्या, और ये बट्टू साहब या नूरुल अमीन साहब या नदीम साहब असल में किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ आने का मकसद मेरा तो यही था कि मैं कोशिश करूँ कि आपसे अच्छा इंटरेक्शन हो। बाकी लायक कम्युनिटी का पाकिस्तान की डिवेलपमेंट में, पाकिस्तान में पीस बिल्डिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा रोल है। नेगेटिव बातें अक्सर होती हैं और वो हर तबके पे होती हैं, तो इसलिए मैं क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का लायक कम्युनिटी को कि जब भी पाकिस्तान के मसाइल होते हैं तो वो राइट प्लेस पे स्टैंड करते हैं, सच्चाई के साथ स्टैंड करते हैं, और यही चीज़ हम सब में आनी चाहिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू बट्टू साहब, नूरुल अमीन साहब, फेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पेशली यू पीपल दैट यू लिसन मी। थैंक यू वेरी मच।